त्रिकोणासन को दो तरह से किया जा सकता है, एक दोनों पैरों में से फासला, तो बहुत सिंपल है, दोनों हाथ पार्श्व भागों में, दाएं हाथ को ऊपर उठाया, बाईं ओर झुक गए, हथेली नीचे की ओर, ऊपर वाला हाथ कान से लग गया, हाथ की कोहनी सीधी, नीचे वाले हाथ की भी कोहनी सीधी, दोनों पैर भी सीधे और पार्श्व भाग में झुक रहे, जितना अधिकतम हो सके झुक जाए, कुछ का हाथ घुटने के पास, कुछ का नीचे टखने के पास तक चला जाए। इस प्रकार से एक स्थिति में आधा मिनट से एक मिनट तक रोकी, हाथ नीचे आ गया, ऐसे दूसरी ओर से श्वास अंदर भरते हुए अभ्यास प्रारंभ करते हैं। आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर छोड़ देते हैं, पीछे झुकते हैं तो अंदर भर के रखते हैं, फिर एक स्थिति में आने के बाद में श्वास की गति सामान्य हो जाती है। इसका दूसरा अभ्यास है ये पार्श्व भागों के मेद को, एक्सेस फैट को बेल्ट करने के लिए, पार्श्व भागों से शरीर को स्वस्थ, सुंदर, सुडोल, आकर्षक बनाने के लिए, यंगस्टर्स की भाषा में बोलो तो सबको चाहत रहती है, एक मूलभूत इच्छा है, एक बेसिक डिजायर है सभी यंगस्टर्स की कि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहे, बॉडी की कटिंग बहुत अच्छी रहे, भुजाएं, जंघाएं, पेट, पीठ, पूरे शरीर की कटिंग अच्छी हो। तो योगासन करने से, जब आप तरीके से योगाभ्यास करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपके शरीर में कुदरती प्राकृतिक सौंदर्य निखरता है अपने आप। अभी हम त्रिकोण आसन का दूसरा अभ्यास कर रहे हैं। दाहिने पैर को, दोनों पैर सामने थे, अभी दाहिने पैर के पंजे को दाहिनी ओर ऐसे घुमाया, पैर को ऐसे पार्श्व भाग में लेकर के चलेगी जितना अधिकतम ले जा सकते, नीचे वाला हाथ ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, उसकी हथेली ऐसे सामने की ओर, बायां हाथ भी ऐसे ऊपर की ओर जाएगा और उसकी हथेली भी सामने की ओर, ऐसे झुक जाते श्वास अंदर भर, और एक स्थिति में आकर के फिर श्वास की गति सामान्य, ऊपर वाले हाथ को देखते हैं, थोड़ी देर इस स्थिति में रुकते हैं, पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस होता है, फिर वापस आ गए, फिर दूसरी ओर से बाएं पंजे को बाएं ओर घुमाया, उसके से पार्श्व भाग में लेकर के गए जितना अधिकतम हो सके, नीचे वाला हाथ नीचे की ओर, उसकी हथेली सामने की ओर, ऊपर वाला हाथ ऊपर की ओर उठा, उसकी हथेली सामने की ओर, और पार्श्व भाग में झुक गए जितना अधिकतम हो सके। अब नीचे से पैर ऊपर से सिर और हाथ एक सीध में, ऊपर वाले हाथ को ऐसे देख, तो ये
पार्श्व भाग के फैट को कम करने के लिए हम इसको 25-50 बार तक करवा देते हैं। पहले धीरे धीरे करते हैं, फिर तेज़ी से करवा देते हैं।